मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि बहुत सालों पहले चीन के गोंगमेन शहर में मोर राज किया करते थे। वो बहुत ही सुकून तरीके से राज किया करते थे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और उन्होंने अभी अभी फायरवर्क्स का आविष्कार किया था और हर खुशी के मौके पर फायरवर्क्स का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन खतरे का आगाज जब हुआ जब वहाँ के राजा के बेटे शेन ने अपने बुरे इरादों को कामयाब करने के लिए फायरवर्क्स को हथियार की तरह यूज करना शुरू कर दिया। अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलता देख शेन के माता पिता ने एक सूसेहर नाम की एक ज्योतिषी को बुलाया था ताकि वो शेन के भविष्य के बारे में जान सके। वो भविष्यवाणी करती है कि अगर शहजादा इसी राह पर चलता रहा तो एक काला और सफेद योद्धा यानी कि पांडा एक दिन उसको मार देगा। शेन भी छिपकर ये सब देख रहा था। तभी शेन ने ठान लिया कि वो अपनी तकदीर बदल देगा और सारे पांडा को मार देगा, जिससे उसे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। और वो अपने सैनिकों को लेकर सभी पांडा को मारने के लिए निकल पड़ा और उसने सभी पांडा को मार डाला। फिर वो वापस खुशी खुशी वापस लौटा, लेकिन इस बुरे काम की वजह से उसे हमेशा के लिए शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन शेन ने तभी ठान लिया कि वो वापस जरूर लौटेगा और पूरा चीन उसके कदमों में झुकेगा। फिर दिखाया जाता है शेन अभी एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा होता है और इसीलिए वो अपने सैनिकों को मेटल ढूंढ के लाने को कहता है। चीन तभी पो पर शिफ्ट होता है जो ड्रैगन योद्धा बनने के बाद जाबाज पांच के साथ बहुत मजे कर रहा होता है। फिर मास्टर शिपो उसे बुलाते हैं और कुंग-फू के फाइनल स्टेज का बताते हैं जो है अंदरूनी शांति को हासिल करना। शिपू बताते हैं कि उन्होंने भी कई सालों ध्यान लगाकर अंदरूनी शांति को हासिल किया है और तुम्हें भी अंदरूनी शांति हासिल करनी होगी। फिर दिखाया जाता है कि घाटी पर शेन के सैनिकों ने हमला कर दिया है और वो वहाँ से सारा मेटल चुरा रहे हैं ताकि इसकी मदद से शेन अपना हथियार बना सके। तभी वहाँ पो और जाबाज पांच भी पहुँच जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं। इनके बीच कमाल की फाइट होती है। एक वुल्फ से लड़ते हुए पो उसके हाथ पर बना एक चिन्ह देखता है जिससे उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे अपनी मदर दिखाई देती है, जिससे उसका ध्यान फाइट से हट जाता है और वो वुल्फ उसे बहुत मारता है और वो सारा मेटल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो उस फ्लैशबैक को लेकर परेशान हो जाता है। इसी बात का पता लगाने के लिए वो अपने डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तो पो के फादर उसे बताते हैं कि कई सालों पहले जब मैं नूडल बनाने के लिए अपनी सब्जियां लेने गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा पांडा उस टोकरी में पड़ा हुआ था जहाँ मैंने सब्जियां लाकर रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद कोई तुम्हें यहाँ छोड़ गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने इंतजार किया कि शायद कोई तुम्हें लेने आ जाए, लेकिन कोई भी लेने नहीं आया। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ घर ले आया और नहलाया खिलाया। फिर जब से मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया और तुम्हारी देखभाल करने लगा। लेकिन पो को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता कहाँ है और मैं इस टोकरी में कैसे आया। तभी शेन को दिखाया जाता है जो कि अब काफी पावरफुल हो चुका है और वो अपने शहर को वापिस से हासिल करने के लिए गोंगमेन शहर आता है, जहां वो अपना बनाया हुआ हथियार कैनन को भी लाता है। गोंगमेन सिटी पर अभी थंडरिंग राइनो रूल कर रहे थे जो कि काफी खतरनाक कुंग-फू योद्धा थे। शेन राइनो के साथी मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रोक से लड़ने लग जाता है, लेकिन शेन उनके कुंग-फू के आगे नहीं टिक सकता था। इसीलिए शेन ने वो हथियार बनाया था और वो अपना हथियार थंडरिंग राइनो पर चला देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाते हैं और मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रोक को बंदी बना लेता है और पूरी सिटी पर कब्जा कर लेता है। इस बात की खबर चारों ओर फैल जाती है और इसकी खबर मास्टर शिपू तक भी आती है और वो पो और जाबाज पांच को बताते हैं कि शेन ने अपने बनाए हुए हथियार से मास्टर थंडरिंग राइनो को मार दिया है और अब वो पूरे चीन के कुंग-फू मास्टर्स को मारकर चीन पर हुकूमत करना चाहता है। इसीलिए अगर शेन को नहीं रोका गया तो इससे कुंग-फू का अंत हो जाएगा। शिपू पो को कहते हैं कि अगर तुमने अंदरूनी शांति हासिल कर ली तो तुम किसी का भी सामना कर सकते हो। पो और जाबाज पांच गोंगमेन सिटी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में पो अंदरूनी शांति पाने के लिए बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ टाइग्रेस आती है और पो उसे बताता है कि पिंग उसके असली फादर नहीं है। तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं। टाइग्रेस देखती है कि वो गोंगमेन सिटी पहुँच गए हैं। फिर शेन को दिखाया जाता है जो वापस से सुसेयर को बुलाता है। सुसेयर वही होती है जिसने कई सालों पहले शेन का भविष्य बताया था। शेन सुसेयर से कहता है कि तुम वापस से मेरा भविष्य बताओ, मगर सुसेयर वापस से वही बताती है कि जल्दी एक पांडा आएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। तो वो कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि मैंने बहुत साल पहले सारे पांडा को मार दिया था। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और उसे बताता है कि मैंने एक पांडा को देखा। शेन ये सुनते ही डर जाता है और तुरंत उसे ढूंढकर पकड़कर लाने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ पो और जाबाज पांच सबसे बचते हुए उस जेल तक पहुँच जाते हैं जहाँ मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रो को कैद कर रखा होता है। वो उनसे कहता है कि हम
मिलकर गोंगमेन शहर को बचा सकते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो हाल थंडरिंग राइनो का हुआ है वही हमारा होगा, क्योंकि राइनो की मौत की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उस हथियार से कोई भी नहीं जीत पाएगा। तभी वहाँ पर शेन के सैनिक आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं और उन्हें शेन के पास ले जाया जाता है। पो को बंधा हुआ देखकर शेन बहुत खुश हो जाता है और वो उन सभी को अपनी कैनन से मारने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन तभी वाइपर अपनी पूंछ से टाइग्रेस की हथकड़ी खोल देती है और वो सब आजाद हो जाते हैं और मेंटिस उस कैनन को जलने से रोक देता है और वो सभी मिलकर उस कैनन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पो शेन को मारने लगता है कि तभी उसे मोर के पंख पर वही निशान दिखता है जिससे उसे वापस से वही फ्लैशबैक आने लग जाते हैं, जिससे मौके का फायदा उठाकर शेन वहां से भाग जाता है और वो वहां से भागकर उस महल पर हमला कर देता है। तो फिर पो और सबको पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। शेन अपने हथियार की मदद से पूरा महल ही तबाह कर देता है, लेकिन पो और जाबाज पांच किसी तरह वहां से बच जाते हैं और गोंगमेन सिटी की जेल में आ जाते हैं। शेन ये देख कि पांडा बच गया वो बहुत गुस्सा होता है और वो चीन पर हमला करने के लिए सभी वुल्फ को अपने हथियार शिप में लोड करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ टाइग्रेस और बाकी सब पो से पूछते हैं कि तुमने शेन को क्यों जाने दिया, तो पो बताता है कि मैंने जब उसके पंख पर वो निशान देखा तो मुझे याद आया कि जब मैंने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा था तब वो मोर वही था। टाइग्रेस उसे शेन के पास जाने से मना करती है और वहीं रुकने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि शेन आखिरी पांडा यानी कि पो को मार दे। फिर पांचों शेन के हथियार को तबाह करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पो फिर भी उसकी बात नहीं मानता और शेन से उस सवाल का जवाब जानने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। जाबाज पांच और पो सभी से लड़ रहे होते हैं, तभी पो के सामने शेन आता है। पो शेन से पूछता है कि तुमने क्या किया मेरे माता पिता के साथ, तो शेन उसे झूठ बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। इतना कहके वो वहाँ पड़े उस कैनन से उस पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर एक नदी में गिर जाता है। अब पो बहुत ही घायल हो जाता है और वो बहता बहता सुसेयर के पास पहुँच जाता है। सुसेयर उसे अपने साथ एक गाँव में लेकर जाती है और उसका इलाज करती है जिससे वो ठीक हो जाता है। वो पो को बताती है कि ये तुम्हारा असली गांव है और यही तुम्हारा जन्म हुआ था और कैसे शेन ने इस गांव पर अटैक कर दिया और सभी को मारने लगा। पो को भी सब बातें याद आने लग जाती है कि कैसे शेन के लोगों ने उसके माता पिता पर हमला किया था और उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए उसे एक मूली की टोकरी में रख दिया। और फिर पो के मम्मी पापा शेन के हाथों से मारे गए थे, लेकिन पो अपने मन को धीरे धीरे शांत करता है और अंदरूनी शांति हासिल करने में कामयाब हो जाता है। तभी सीन शेन पर शिफ्ट होता है जिसने जाबाज पांच को बंदी बनाकर रखा होता है और वो सब बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पो मर गया है। शेन अपनी सेना लेकर पूरे चाइना पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। तभी पो वहां पर आ जाता है और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। पो सबसे फाइट करता है और सबसे पहले जाबाज पांच को आजाद करवाता है और सभी मिलकर फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहां मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रोक भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां मास्टर शिपू बुलाकर लाए थे। इन सभी को वहां देख पो बहुत खुश होता है। वो सब मिलकर हथियार चलाने वालों को मारने लग जाते हैं। ये देख शेन कैनन से सब पर अटैक कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी घायल होकर पानी में गिर जाते हैं। सबको इस हालत में देखकर पो उठकर शेन के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, तो शेन उसे मारने के लिए कैनन से अटैक करवाता है, लेकिन इस बार फाइट बहुत अलग होती है क्योंकि पो अपनी अंदरूनी शांति का पावर यूज करता है और अंदरूनी शांति की मदद से कैनन से निकलते हुए गोलों को वापस उसी की तरफ फेंक देता है और वो ऐसा ही करता जाता है जिससे शेन की सारी आर्मी तहस नहस हो जाती है और सारी कैनन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो पो पर अटैक करता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। पो उसके वार से बचता जाता है। पो पर वार करते करते उसके हाथ से कैनन की रस्सियां भी कट जाती है जिससे वो कैनन उसके ऊपर गिरता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे शेन की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन पो बोर्ड से नीचे कूद जाता है और वो बच जाता है। शेन की मरने की खुशी में सब जश्न मनाते हैं। मास्टर शिपू ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि पो ने इतनी सी उम्र में अंदरूनी शांति हासिल कर ली है। सब अब अपनी घाटी में वापस आ जाते हैं। फिर पो अपने फादर के पास जाता है और उन्हें सब बताता है और कहता है कि मेरे लिए आप ही मेरे असली फादर हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बहुत दूर सबसे अनजान एक गाँव है जहाँ सभी पांडा रहते हैं और पो के फादर को भी पता चलता है कि पो जिंदा है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपने अभी तक कुंफू पांडा 1 और कुंफू पांडा 3 मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।